हेलो एवरीवन वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप टुडे इज वेंसडे आई एम दृष्टि एंड वी आर बैक अगेन आपके कपल ऑफ क्वेश्चंस के साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोर हिमाचल सिलेबस एंड साथ सॉल्व साथ करेंगे पेपर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर सो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है फी अर फॉर्चुनेट अनाफ वेल एंड गुड अदरवाइज दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू हेल्प यू जो आपका हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है उसमें भी बोथ इन प्रल्लम्स एंड मीन्स राइट सो कपल ऑफ क्वेश्चन मैंने मर्ज करके डाले हैं कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है कुछ फेज इन फेस्टिवल हैं कुछ हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स हैं हिमाचल के आइए चलिए स्टार्ट करते हैं तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बाई विच नेम वॉज कुलूता नोन इन वैदिक टाइम्स आपको चार ऑप्शन दिए हैं यहां पे। ए किन्नर बी दास सी दास या डी गंधर्व राइट right. आप दो सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए इसका करेक्ट आंसर सोचिए एंड योर करेक्ट आंसर इज ए किन्नर सो so, अगर हम वर्ड कुल्लू की बात करें तो दिस इज स्पेक्यूलेटेड कि ये डराइव करा गया फ्रॉम द वर्ड कुलूता जो मिला था फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी ए डी कुलूता को वेदिक टाइम्स में पिछले पुराने जी आइए बढ़ते अपने सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे चेंज कैपिटल फ्रॉम जगत सुख टू नगर ठीक है चार ऑप्शन आपके पास ए राजा सूरतपाल उछित पाल सॉरी बी डी रुद्रपाल अगेन आप अपना वीडियो ओरिजिनल कैपिटल अगर आप देखो स्टेट कुल्लू का तो दिस वॉज आर्ट जगत सुख जहां पे अर्ली किंग्स दे रूल फॉर ट्वेल्व जनरेशन राजा विशुद्ध पाल आए इसके बाद जिन्होंने ट्रांसफर ट्रांसफर करा कैपिटल नगर से जगत सुख के लिए एंड लेटर राजा जगत सिंह जो थे इन्होंने इसको फर्दर ट्रांसफर करा कहाँ पे सुल्तानपुर में ठीक है तो एक क्रोनोलॉजी चलती है जब आप प्रॉपर कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ते हैं कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये <laughs> देर <coughs> सॉरी देर आर अ कपल ऑफ राजा जिन्होंने जिनके टेन्योर में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स घटे हैं वो आपको पता होने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड संध्या गायत्री टेम्पल आपका ऑप्शन ए है राजा बासु ऑप्शन बी इज राजा जगत सिंह ऑप्शन सी इज राजा विशुद्धपाल या ऑप्शन डी इज राजा उधरन पाल राइट एंड योर करेक्ट आंसर इज डी राजा उधर नेपाल। ना ओरिजिनली ओरिजिनली अगर हम गायत्री माता टेंपल की बात करें तो ये बना था वल्लभी स्टाइल आर्किटेक्चर में ठीक है आपने जीएस में पढ़ा होगा ये वल्लभी स्टाइल आर्किटेक्चर क्या होता है एंड इसको रीबिल्ट करा राजा उधरन पाल ने 1428 में अकॉर्डिंग टू एक इंस्क्रिप्शन मिला है उससे हमें ये इंफॉर्मेशन निकलती है अगेन फॉर द थर्ड टाइम इसको दोबारा रीबिल्ट करा गया इन नाइनटीन सेंचुरी एंड अब अगर आप देखो ये टेम्पल में गणेश जी की एक प्रतिमा स्थापित है एंड इसमें बहुत सुंदर लकड़ी का काम हुआ हुआ है ठीक है सो इफ यू एवर गेट टाइम टू विजिट गायत्री माता टेम्पल प्लीज इसको जाके आप विजिट करिए अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे दिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ए संध्या गायत्री टेम्पल बी त्रिपुर सुंदरी टेम्पल सी मनु टेम्पल या डी नन ऑफ द अबव एंड इसका करेक्ट आंसर है बी त्रिपुर सुंदरी टेम्पल तो सरही यात्रा की अगर हम बात करें तो दिस इज अ वेरी फेमस फेयर ऑफ कुल्लू ठीक है मेला भरता है कुल्लू में एंड ये फेयर है दिस इज हेल्ड फॉर थ्री डेज एंड टेक्स प्लेस ए नगर इन फ्रंट ऑफ जो एंशेंट आपका त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है जिसको हम बोलते हैं बाला सुंदरी माता के नाम से भी इसको जाना जाता है ड्यूरिंग ज्येष्ठ के मंथ में ज्येष्ठ आपके ये हिंदी जो आ, महीनों के नाम चलते हैं उसके हिसाब से ज्येष्ठ है विच फॉल्स इन मे ठीक है माघ फागुन ज्येष्ठ सावन भादो ये जो आपके हिंदी वाले कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं उसके हिसाब से ज्येष्ठ मंथ में ड्यूरिंग मे एंड फर्स्ट मंथ ऑफ जून में ये मेला भरता है ठीक है अब आते हैं अपने आज के फिफ्थ क्वेश्चन पे ये फिफ्थ क्वेश्चन इज वट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ मनु टेम्पल तो ए ऑप्शन इज पहाड़ी बी इज़ वुडन स्टाइल सी इज़ पेंट रूफ या फिर डी इज पगोड़ा एंड योर करेक्ट आंसर इज डी पगोड़ा नाउ अगर हम बात करें आर्किटेक्चर ऑफ मनु टेंपल की तो दिस इज पगोड़ा स्टाइल एंड मोस्ट ऑफ द टेंपल्स जो है हिमाचल प्रदेश में दे आर बिल्ट इन दिस स्टाइल ठीक है तो रैंडमली अगर किसी क्वेश्चन टेम्पल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या आर्किटेक्चर है और आपको नहीं आता मोस्ट टेम्पल्स आर बिल्ट इन पगोड़ा स्टाइल तो अगर आपको सिर्फ तुक्का ही मार के आना है तो यू कैन मार्केट देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये ठीक हो जाए अदरवाइज दे आर आर पेंट्रूफ स्टाइल्स शिखरा स्टाइल्स अलग अलग टेम्पल्स भी हैं ठीक है बट जस्ट आपको आता ही नहीं है तो गोइंग विद द मेजोरिटी पगोड़ा स्टाइल के मोस्टली टेम्पल्स यहाँ पे हैं नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इस टेम्पल का कि यहाँ पे टिम्बर टार है या फिर जिसको डिक्रीजिंग पार्कवे बोलते हैं ठीक है स्ट्रक्चर जो है इस मनु टेम्पल का दिस इज मेड ऑफ वुड एंड कॉन्क्रीट एंड एंशियंट फॉर्म ऑफ पगोड़ा आर्किटेक्चर अगर आप देखो तो उसमें ये बना हुआ है उसमें ये पूरा इसकी फॉर्मेशन है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं आपका सिक्स क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ए कुल यात्रा बी साहो यात्रा सी सागर यात्रा या फिर डी पीपल यात्रा एंड इसका करेक्ट आंसर है आपका डी पीपल यात्रा ट्रेडिशनल नेम अगर आप देखो वसंतोत्सव का तो वो नाम है पीपल यात्रा इसको और किस नाम से जाना जाता है सॉरी अबाउट दिस इसको और किस नाम से जाना जाता है राय रिजाच के नाम से जाना जाता है ढलपुर नाम की एक जगह पड़ती है इन कुल्लू तो 16 तारीख की जब बैसाखी होती है 16 अप्रैल की जो बैसाखी होती है हर साल उस दिन इसको सेलिब्रेट करा जाता है नाउ यहाँ पे क्या होता है पुराने टाइम में जो राजा होते थे कुल्लू के ही यूज टू सिट कला केंद्र बना था एक कला केंद्र के सामने ये बैठा करते थे एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे चबूतरे पे या उनके लिए थ्रोन लगाया जाता था जो भी एंड एक पीपल ट्री था पीछे ठीक है छाया के लिए अलोंग विद जो उनके कोर्टियर्स होते थे जो उनके सेनापति हो गए संतरी हो गए जो भी uh, कोर्ट में जो भी आपके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे उनके साथ बैठते थे एंड उनके सामने ट्रेडिशनल डांस किया जाता था तो तब से ये ट्रेंड चला हुआ है एक बार कहा जाता है राउंड अबाउट सोलह जो कुल्लू के देवते हैं दे पार्टिसिपेटेड इन दिस फेयर बट उसके बाद से अगर आप देखो तो जैसा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन पहले हुआ करता था उससे इसकी रौनक धीरे धीरे फीकी पड़ गई है बट स्टिल ये मेला भरा जाता है नाउ बैसाख की बात करें तो दिस इज द मंथ ऑफ ब्लूमिंग स्प्रिंग ठीक है एवरी थिंग इज ऑन इट्स ब्लूम ठीक है Uh, आप बैसाखी में देखो तो बेसिकली जो के फसल होती है उसकी पहले पूजा होती है ठीक है अग्नि देवता को उसको दिया जाता है पहला पोर्शन जो होता है उसका एंड देन फिर नई फसल जो होती है वो सर्कुलेशन में आती है तो स्प्रिंग की वजह से अगर आप देखो एवरीथिंग इज ब्लूमिंग तो इट्स लेवल पे इट इज अ वेरी प्रिटी पिक्चर टू बी होल्ड नाउ अगर हम इस fair की बात करें तो दिसम्ड एसंतवासवा आपका चलता है ऑफिशियल डेट है दैट इज फ्रॉम ट्वेंटी अप्रैल एवरीवेयर एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बिजनेस ट्रांजैक्शन या एक जो एम एस एम ई सेक्टर वाले आपके हथ कर जो छोटे छोटे वुलन स्टॉल्स जो लोग लगाते हैं कुल्ली शॉल्स के अचार के छोटा फेट जो भरता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो आपके ग्रह, ग्राम उद्योग हो गए उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर बन गया है आज की प्रेजेंट डेट में अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच रूलर ऑफ चंबा स्टार्टेड चकली कॉपर कॉइन्स विद द प्यर्स्ट ईयर डेडिकेटेड टू योगी चार पंतनाथ अगेन आपको चार ऑप्शन दिए हैं ए मेरू वर्मन बी राजा मारू याद रखेंगे मेरू वर्मन और राजा मारू जिनको मारू वर्मन भी कहा जाता है दोनों में फर्क है ठीक है फिर ऑप्शन सी इज साहिल वर्मन एंड ऑप्शन डी इज लक्ष्मी वर्मन आपका करेक्ट आंसर है सी साहिल वर्मन ना चकली कॉपर कॉइन्स की अगर आप बात करो जिनमें पियर्स आपको ईयर कॉइंस देते हैं ये डेडिकेट है योगी चारपतनाथ को एंड ये प्रैक्टिस में आया ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा साहिल वर्मन जो था कब 1920 सॉरी नौ से 940 सौ में ठीक है इसके पीछे एक कहानी है पूरी आ, उनको बेबी नहीं हो रहा था तो सेट ऑफ योगीज़ के चौंसठ योगी आए थे उनके यहाँ उसके बाद द ही वॉज ब्लेस्ड विद एन एयर अ पेरेंट तो वो कोर्स में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है तो उनको कमेमोरेट करने के लिए ये राजा साहिल वर्मन ने अल्टीमेटली कॉइन पब्लिश करना शुरू करा था एंड दैट केम इंटू सर्कुलेशन सेंस दें ठीक है जी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश चार ट्राइब्स के नाम दिए हुए हैं आपको एंड इन ट्राइब्स में से आपको नाम चूज कर रहा है ए सोंगला बी खाम्पा सी मीना या डी जड ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है सी सो so, मीना ट्राइब अगर आप देखें बेसिकली इट बिलोंग्स टू राजूत है ये भी ST होते हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं राजपूत को आ, राजस्थान को ना मीना रूल करा है सर्टन प्लेसेस इन राजस्थान टिल इनको ओवर पार कर दिया इन्वेड करते हुए राजपूत ने नाउ मीना से बूंदी कैप्चर करी बाय राव देवा ने इन एडी थर्टीन एंड अगेन धुंदार एंड कछवाहा राजपूत आए चुपोली ले ली इनसे एंड वो सोन एंड सो फोर्थ पूरी स्टोरी चल के आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मीनाज दे रिजाइड इन राजस्थान अगर आप आज की डेट में भी देखो तो मेजोरिटी चंक ऑफ मीनाज आपको कहाँ मिलेंगे मीनाज आर फाउंड इन आपका राजस्थान हरियाणा का जो बॉर्डर है राजस्थान एंड राजस्थान गुजरात का जो बॉर्डर है मेजर जो मीना कम्युनिटी है आपको वहीं मिलेगी मीना वी से इट इन इंग्लिश लेकिन हिंदी में इसका प्रॉपर

ऑप्शन सी इज़ हटकोटी टेंपल टेम्पल या ऑप्शन डी इज़ भीमा काली टेम्पल एंड योर करेक्ट आंसर इज बी बुद्धिस्ट गोम्पा नाउ शान एंड शाबू जो हैं दीज आर टू वेल लाइक डांसर्स ऑफ लाहौल वैली एंड पीपल दे डांस आट बुद्धिस्ट गोम्पा इन द मेमोरी ऑफ गौतम बुद्ध शान को बोलते हैं अ सॉन्ग ऑफ प्रेयर फॉर बुद्धा एंड जो डांसेस डांस करे जाते हैं इन सॉन्ग्स पे इनको बोलते हैं शान डांसर्स ठीक है जी अब आते हैं हम आपके आज के अपने टेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन पे योर लास्ट क्वेश्चन इज द छनक छम डांस परफॉर्म्ड बाय लामाज ऑफ लाहौल एंड स्पीति मेन टू प्लीज गॉड्स इज परफॉर्म्ड एट कौन से फेस्टिवल पे परफॉर्मेंस होती है ए चकार फेस्टिवल बी चिशु फेस्टिवल सी बीस फेस्टिवल या डी आपका ढकरेनी फेस्टिवल ठीक है जी करेक्ट आंसर इज डी ढकरेनी फेस्टिवल थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं छम डांस जो है दिस इज परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट मस जिनको बोला जाता है लामा ठीक है जो रेड कलर का आपका रैप अराउंड कपड़े पहन के रहते हैं ठीक है हिमाचल में बहुत कॉमन साइटिंग है लामास की नाउ ये परफॉर्म करा जाता है इन द कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग जो आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं एंड दीज आर सेट टू बी अ पार्ट ऑफ आपका सेलिब्रेशन एंड ऑफरिंग प्रेयर्स नाउ इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है डांस इज नोन फॉर एलेबरेट मास्क ठीक है हेडगेयर एंड पूरा एक कॉस्ट्यूम होता है परफॉर्मेंस का एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो टिबटियन आपके सेटलमेंट एरिया से जहाँ जहाँ भी तिप्ती कॉलोनियाँ हैं पर्टिकुलरली आपका धर्मशाला वाला जो बेल्ट है इसमें अगैन जो विलेज हैं दे गैदर इन लार्ज नंबर्स टू विटनेस जो इनका फेमस डेवल डांस होता है उसको ठीक है बहुत सारे इसको बुराई पे अच्छाई की जीत के साथ इसको एसोसिएट करा जाता है एंड बुद्धज़म का अपना एक बहुत डिफरेंट कल्चर है जो हिमाचल के अलावा रेयरली कहीं सीन देखने को मिलता है इन इंडिया राइट सो दिस योर सेशन फॉर टुडे आई होप जितनेश्चन्स हमने कवर करे हैं वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप उसको मैंशन में कॉमेंट्स कॉमेंट्स uh, में मैंशन कर सकते हैं आई ट्रायर टेकिंग दैम अपन नेक्स्ट क्लास टिल्ड्रेन स्टेट यूनियन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच बाय बाय